जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे कक्षा 6 विज्ञान की ओर में अध्याय 7 पदार्थों के पृथक्करण के प्रश्न उत्तर। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने ये पाठ अच्छे से पढ़ा होगा। पहला प्रश्न कहता है कि रिक्त स्थानों को भरिए। हमें यहाँ पे खाली स्थान की जगह में उचित शब्द भरना है। पहला कहता है धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को कहते हैं। तो आप तो यदि घर में उसे बोलोगे तो उसे कहते हैं दोनी करना, कि आप धान को उसके डंडों से अलग कर रहे हो तो उसे बोलोगे आप लोग कि उसकी दोनी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन उसे कहते उस विधि का नाम क्या है? तो उस विधि का नाम है थ्रेसिंग विधि। यहाँ पे क्या भरोगे आप सभी? यहाँ पे आप सभी भरोगे थ्रेसिंग विधि, थ्रेसिंग विधि यहाँ पे भरोगे, ठीक है। पहला में थ्रेसिंग विधि। दूसरा प्रश्न कहता है बच्चों कि कपड़े से दूध को छानकर मलाई को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कपड़े से दूध को छानकर मलाई को अलग करने की प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। कौन सी? निस्यंदन। यहाँ पे भरोगे आप लोग निस्यंदन, यहाँ पे भरना है निस्यंदन को। तीसरा प्रश्न कहता है कि समुद्र के जल से नमक किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो समुद्र के जल से नमक वाष्पन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। किस विधि के द्वारा? वाष्पन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। चौथा प्रश्न कहता है कि जब गंदे जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती है, इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। पृथक्करण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पृथक्करण की इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादन। कि आप लोग गंदे जल को ले लो, उसे रात भर एक बाल्टी में डाल करके छोड़ दो, तो आप लोग क्या देखोगे कि कुछ समय के पश्चात यानी रात भर में जो जितनी भी गंदगी है यहाँ पे तली में बैठ जाएगी और आपको शुद्ध जल प्राप्त हो जाएगा। जितनी भी गंदगी है वहाँ पे तली में या गंदगी बैठ जाएगी और आपको शुद्ध जल वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि चावल से कीड़ों को किस विधि के द्वारा अलग करते हैं? पहले आप लोग देखो कि चावल जब आपके घर में बनता है तो आप लोग क्या करते हो? पहला तो एक आप लोग चुन सकते हो कि उसमें धान है या फिर जो जो काला काला चावल है उसे आप लोग चुन के अलग कर लो। और दूसरा है कि आप लोग यदि कम मात्रा में है तो, और कीड़ों को आप लोग कितना चुनोगे, ठीक है, जो काले काले कीड़े होते हैं छोटे छोटे उसे आप लोग कितना चुन पाओगे? उसमें लिए क्या करते हो आप लोग, गर्म पानी में चावल को एक गर्म पानी से पूरा अच्छे से धो देते हो तो जितने भी कीड़े होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो चावल को गर्म पानी से धोने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तारण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? निस्तारण। और इसे ही हम लोग चावल से कीड़ों को अलग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से जब निस्तारण करते हैं तो यहाँ पे जितने भी अशुद्धियाँ हैं, कीड़े मकोड़े हैं, धूल कण हैं, वे सभी यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग क्या भरोगे? यहाँ पे हम लोग भरेंगे निस्तारण, निस्तारण भरेंगे। दूसरा प्रश्न अब करते हैं। तो दूसरा प्रश्न कहता है हमें, इसमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, एक एक करके हम देखेंगे। इसमें से दूसरा प्रश्न है कि हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे पदार्थों से चुनने, छाटने और छानने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। हमें पृथक्करण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हम पदार्थों से अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को निकाल करके शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यदि चावल में हम उसे छाटेंगे नहीं कीड़ों मकोड़ों को तो उसे ऐसे तो खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, इसीलिए हम उसके पृथक्करण करते हैं, इसीलिए पृथक्करण की आवश्यकता होती है। तीसरा प्रश्न है पकाने से पहले दाल के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल कण कैसे अलग करेंगे? तो इसके उत्तर में लिखोगे पकाने से पहले दाल के किसी नमूने से भूसे एवं धूल कण को निस्तारण विधि द्वारा अलग करेंगे। पानी में धोने से हल्के धूल कण हैं वह पानी के साथ बाहर निकल जाएंगे और इसी विधि को निस्तारण विधि कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है एक कप चाय एक मिश्रण है, इनके अवयवों के नाम लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे
एक कप चाय के मिश्रण में दूध, चीनी, जल, चाय, पत्ती, अव्यय है, और इन्हीं से मिलकर चाय बनती है। प्रश्न संख्या पांचवा है, निष्पावन से आप क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है? तो इसको उत्तर में लिखेंगे, किसी मिश्रण के अवयवों को वायु द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। इसका प्रयोग किसान खलिहान में गेहूं को भूसे से अलग करने के लिए करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या छठा है, ठंडी तथा गर्म जल में चीनी किस में पहले घुलेगी? यहाँ पे खुलेगी नहीं होगा, ये चीज़ होगा, यहाँ पे घुलेगी, तो किस में घुलेगी बताइए, ठंडे जल में पहले घुलेगी या गर्म जल में अधिक पहले घुलेगी? तो इसके उत्तर में लिखोगे कि गर्म जल में चीनी ठंडे जल की अपेक्षा जल्दी घुलेगी, क्योंकि घुलनशील वस्तुओं का जल में घुलना जल के ताप पर निर्भर करता है। जितना अधिक ताप होगा वह वस्तु इतनी जल्दी जल में घुलेगी। जल में विलयता का गुण होता है कि आप जल जितना गर्म जल लोगे उतनी जल्दी उसमें घुलनशील वस्तु, यानी कि यदि आपको इसमें चीनी मिलाना है, गुड़ घोलना है, तो आपको उसमें गर्म पानी में मिलाओगे। प्रश्न संख्या सातवां है, लोहे की कांटी, नमक, तेल एवं जल का मिश्रण आपको दिया गया है, प्रत्येक अवयव को अलग करने की विधि बिंदुवार लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लोहे की कांटी को अलग कर लेते हैं, निस्यंदन विधि द्वारा उसे हम अलग कर लेंगे। दूसरा है कि हम तेल को अवसादन विधि द्वारा अलग करेंगे, क्योंकि तेल जो है पानी में मिलेगा नहीं, ऊपर छल ऊपर ही बैठा रहेगा, तो उसे हम लोग आराम से निकाल देंगे। और तीसरा, मिश्रण से नमक को हम लोग वाष्पन विधि द्वारा अलग कर लेंगे। तो तीनों विधि हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। प्रश्न संख्या आठवां है, क्या आटे और चीनी को पृथक करना संभव है? यदि हाँ तो कैसे? लिखेंगे कि हाँ, आटे और चीनी को पृथक करना संभव है। इसमें हम चलनी से चाल कर अलग कर लेंगे, चलनी से चाल करके अलग कर लेंगे, तो आटा का जो महीन कण होंगे या आटा जो होगा वो तो सारा नीचे गिर जाएगा और चीनी ऊपर में बच जाएगा, चीनी को अलग कर लेंगे। प्रश्न संख्या नौ है कि समुद्र के जल से साधारण नमक कैसे प्राप्त करेंगे? तो वाष्पन विधि के द्वारा प्राप्त करेंगे, कि समुद्र के जल से साधारण नमक हम वाष्पन विधि द्वारा प्राप्त करेंगे। प्रश्न संख्या नौ हो गया। प्रश्न संख्या दसवां कहता है कि जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर सिकंजी बनाई जाती है, आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं, आप सिकंजी में बर्फ चीनी घोलने के पहले डालेंगे या बाद में, और किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? तो लिखेंगे कि देखिए, जब आप चीनी को घोलोगे तो जल के ताप पर निर्भर कर रहा है, हमने पढ़ा भी कि जल का तापमान अधिक होगा तो चीनी जल्दी घुलेगी, तो यदि हम बर्फ डाल देंगे, बर्फ के टुकड़े इसमें, तब तो जल का तापमान को यह घटा देगा, और जल के तापमान को घटा देगा तो ठंडी चीज़ों में चीनी का घुलना या फिर घुलनशील पदार्थों का ठंडे जल में घुलना में समय लगता है, अधिक समय लगता है, तो किसमें अधिक घुलेगा? बर्फ डालने के पहले जो जल रहता है उसमें। तो इसमें लिखेंगे कि इस प्रकरण में हम जल में चीनी बर्फ डालने के पहले मिलाएंगे, क्योंकि बर्फ डालने पर जल का तापमान कम हो जाएगा और चीनी देर से घुलेगी। ठीक है, तो ये था प्रश्न संख्या 10। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही आप अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग करेंगे प्रश्न पाठ 8। धन्यवाद।